जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन? कहानी के अंत तक आपको पता लग ही जाएगा। कहते हैं कि एक बार एक कपल महात्मा के पास गए और उनसे बोले कि हम कम्प्लीटली हैप्पी नहीं है, हमें पूर्णतः खुश करने का कोई समाधान दीजिए। महात्मा कहते हैं ऐसा करो, पूरी दुनिया का भ्रमण कराओ, कोई ऐसा मनुष्य मिले जो कम्प्लीटली हैप्पी है तो उसके कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाना। कहते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक राजा रानी दिखते हैं, उनसे कहते हैं आप पूर्णतः खुशी होंगे, आपके पास तो सब कुछ है, सुख है, ताकत है। कहते हैं हाँ हम खुश हैं लेकिन हमारे पास औलाद नहीं है, ये एक दुख है। समझ जाते हैं कम्प्लीटली खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो एक सेठ दिखता है जिसके घर में बच्चे बच्चे सब कुछ होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कम्प्लीटली हैप्पी हैं? तो कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ लेकिन मेरे बच्चे लड़ते हैं, यही एक दुख है। समझ जाते हैं ये भी कम्प्लीटली हैप्पी नहीं है, पूर्णतः खुश नहीं। आगे बढ़ते हैं तो उसे एक किसान दिखता है खेत में हल चलाता हुआ। जब किसान बैठ जाता है अपने घर पर रोटी खाने के लिए तो देखते हैं उसके आसपास बच्चे हैं, सब कुछ है, उससे पूछते हैं क्या आप पूर्णतः खुश हैं? किसान कहता है संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। तो कहते हैं क्या आप अपनी शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा हमें देंगे? कहते हैं हाँ दे तो देता लेकिन अगर दे दूंगा तो पहनूंगा क्या? समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूर्णतः सुखी नहीं, बस अपने जीवन में जिस तरह हम जी रहे हैं यही एक सुख है।